अनुष्का, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक से जो बच्चे ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए, और आईटीआई के एमएमबी और मैकेनिकल डीजल के स्टूडेंट्स के लिए। आज का टॉपिक है इंजन क्लासिफिकेशन। इंजन क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ सके। अब अगर हम बात करें आईसी इंजन की, तो इसमें क्या होता है, आईसी इंजन में ये फ्यूल की केमिकल एनर्जी को पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसके बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग होता है गाड़ी को रन करने के लिए, व्हीकल को रन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे इंजन के टाइप्स या इंजन क्लासिफिकेशन। इंजन क्लासिफिकेशन को बहुत प्रकार से किया जा सकता है, मैंने उसके कुछ टाइप यहाँ बताए हैं। पहला टाइप होता है टाइप ऑफ कंबशन। इसका मतलब है कि कंबशन के आधार पर या दहन के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होंगे। दहन के आधार पर इंजन दो प्रकार का होगा। पहला होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को हम लोग हिंदी में आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम लोग हिंदी में बाहर दहन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल सिलेंडर के अंदर बर्न होता है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में फ्यूल सिलेंडर के बाहर बर्न होता है। जितने भी आप जो है इस समय रोड पे वाहन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, वो सारे के सारे आपके आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन पर बेस्ड है, और बॉयलर हुआ, स्टीम इंजन हुआ, वो आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन या ईसी इंजन के एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज। फ्यूल के उपयोग के आधार पर इंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पेट्रोल इंजन, दूसरा आपका होता है डीजल इंजन, और तीसरा आपका होता है गैस इंजन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इग्निशन मेथड। मतलब फ्यूल को जलाने के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होंगे। फ्यूल को जलाने के आधार पर, फ्यूल के जलने के आधार पर इंजन आपके दो प्रकार के होंगे। पहला होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में जनरली पेट्रोल का इग्निशन किया जाता है, और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में डीजल का इग्निशन होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन, एक होता है आपका फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में जो है पिस्टन दो बार ट्रेवल करता है, एक बार वो टीडीसी से बीडीसी आएगा, एक और दूसरी बार वो बीडीसी से टीडीसी आएगा। तो पिस्टन के दो स्ट्रोक में एक पावर साइकिल कंप्लीट होती है, और वही बात कर रहे अगर फोर स्ट्रोक की, तो फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन जो है चार स्ट्रोक होंगे पिस्टन के, मतलब वो दो बार टीडीसी से बीडीसी आएगा और दो बार बीडीसी से टीडीसी आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के चार स्ट्रोक में एक पावर साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एयर कूल्ड इंजन, दूसरा होता है वाटर कूल्ड इंजन। जितने भी आपके टू व्हीलर हैं, सारे के सारे मोस्टली मोस्टली गर्म, ठीक है, सारे नहीं गर्म, मोस्टली इंजन जो है आपके जो टू व्हीलर हैं वो एयर कूल्ड इंजन होते हैं, और आपके जितने फोर व्हीलर है फोर व्हीलर आपके वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। वाटर कूल्ड इंजन को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको, ये आपका एक होता है थर्मोसिफॉन टाइप, एक आपका होता है पंप सर्कुलेशन टाइप। आगे मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उससे आप इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन मेथड, ये लेटेस्ट है। आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन मेथड के आधार पर इंजन आपके दो प्रकार के होंगे। एक आपका होता है कार्बोरेटर इंजन, दूसरा आपका होता है इंजेक्टर इंजन। कार्बोरेटर इंजन में क्या होता है कि जो कार्बोरेटर एक यूज किया जाता है, कार्बोरेटर के माध्यम से जो है फ्यूल सिलेंडर में भेजते हैं। इसमें कार्बोरेटर क्या है, हवा और पेट्रोल का प्रॉपर अमाउंट में मिश्रण तैयार करता है, वो मिश्रण सिलेंडर के अंदर जाता है। और ये बात करें इंजेक्टर इंजन की, तो इंजेक्टर इंजन में क्या होता है, इंजेक्टर के माध्यम से जो है डीजल का छिड़काव करते हैं। इसमें जो आपके डीजल इंजन जो होते हैं उसमें इंजेक्टर इंजन का उपयोग किया जाता है, मतलब डीजल इंजेक्टर इंजन में उपयोग होता है। और जो डीजल है वो आपका आफ्टर कंप्रेशन एज ए स्प्रे यूज किया जाता है। मतलब उसमें क्या होगा कि आपका सक्शन में हवा आती है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा को कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, उसके एंड पे जब कंप्रेस एयर पीडीसी के ऊपर होती है, वहां पर इंजेक्टर के माध्यम से डीजल का स्प्रे किया जाता है।
नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फिल्टर अरेंजमेंट। फिल्टर अरेंजमेंट के आधार पर इंजन आपके कई प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका होता है सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है, आपका एक ही सिलेंडर यूज किया जाएगा। दूसरा आपका होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर में इंजन में क्या होगा कि आपके इंजन जो है ऐसा होगा जिसमें आपका एक से ज्यादा सिलेंडर यूज किए गए हो। सिंगल सिलेंडर में क्या होता है केवल एक सिलेंडर होगा, और मल्टी का मतलब क्या एक से ज्यादा, वहां पर आपके जो सिलेंडर है वो एक से ज्यादा होंगे। फिर इसको हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें शेप दे सकते हैं। एक आपका होगा वर्टिकल इंजन, दूसरा आपका हो सकता है हॉरिजॉन्टल इंजन। वर्टिकल इंजन में क्या होगा कि आपके सारे जो सिलेंडर है वो सारे के सारे वर्टिकली अरेंज होंगे, और आपका जो हॉरिजॉन्टल इंजन होगा उसमें आपके जो सिलेंडर है सारे के सारे क्या होगा हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे। ये आपका इनलाइन इंजन होगा। इनलाइन में क्या होगा, जो आपके सिलेंडर है सिलेंडर आपके सारे एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। एक आपका होगा वी शेप इंजन। वी शेप में क्या होगा, वी के शेप में सिलेंडर आपके अरेंज होंगे, कुछ मतलब सेम अमाउंट। जैसे मान के लिए सिक्स सिलेंडर इंजन है तो तीन सिलेंडर इधर होंगे, तीन सिलेंडर आपके इधर होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल रेडियल इंजन भी होता है इसी में आता है। लास्ट हमारा है टाइप ऑफ साइकिल यूज। इस साइकिल पे जो है इंजन काम कर रहा है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है ऑटो साइकिल, एक आपका होता है डीजल साइकिल, और एक आपका और आजकल दोनों का मिला के एक एडवांस टाइप आया है, वो है आपका ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल में क्या होगा कि वो पेट्रोल और डीजल उस इंजन में दोनों यूज कर सकते हैं। जो आपका ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल में केवल आप पेट्रोल का यूज कर पाएंगे, डीजल साइकिल ओनली सुटेबल फॉर डीजल इंजन। पर जो आपका जो ड्यूअल साइकिल है, ड्यूअल साइकिल आपका पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया है इंजन क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।